नमस्कार आदाब दोस्तों, जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी मंडे टू फ्राइडे के मोनोटोनस बोरिंग ट्रैक पर हांफती जिंदगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीडिंग जोन पे 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीडिंग वायलेशन लाती तेज रफ्तार जिंदगी। प्रमोशंस, बैंक बैलेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट्स, प्रेशर्स, इन सब के बीच एकदम होती अपनी पहचान ढूंढती जिंदगी। हम सबको थका देती है ना ये जिंदगी, लेकिन फिर दूसरे ही पल हम सब अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी स्टाइल में, अपनी अपनी रेजिलियंस से इस जिंदगी को सहेजने, समेटने, संवारने में लग जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, बस अभी वो लम्हा संभाल लो जिसमें ये जिंदगी खड़ी है। तो इसी कोशिश के चलते हमने जिंदगी के छोटे बड़े लम्हों को सहेज कर, समेट कर, संवार कर, उनका इंग्रेडिएंट्स डालकर कुछ लज्जतदार स्लाइसेस बेक किए हैं और पेश कर रहे हैं आपके इसी शो में, जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। तो आज दोस्तों, जो हम लज्जतदार खुशबूदार सा स्लाइस आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो बेक तो चाहे मुंबई की बेकरी में हुआ हो, लेकिन उसका फ्लेवर पहाड़ों से आता है। और ये दावा है हमारा कि एक बार उस फ्लेवर को आप चख लें तो उसका अरोमा आपके जेहन पर जिंदगी भर के लिए नक्श होकर रहेगा। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी वेलकम आर नेक्स्ट गेस्ट, आर नेक्स्ट स्लाइस फॉर जिंदगी, द वेरी वेल नोन एंड वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी ऑफ हिंदी सिनेमा, थिएटर, टीवी, ओटीटी, ही इज एवरीवेयर, मिस्टर गोपाल दत्त। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो एक स्लाइस जिंदगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करनी है और उसका सिलसिला शुरू करें तो दर्शकों की तरफ से एक छोटा सा क्यूरियोसिटी वाला एक मसला है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी, आपका सफर हुआ खूबसूरत वादियों से नैनीताल, फिर उसके बाद आप पले बड़े कुमाऊं में, और तकरीबन 25 साल पहले जब आपने अपना फिल्मी सफर शुरू किया तो आपका काफिला पहुंचा डार्जिलिंग दिल्ली में और फिर मेस्मराइजिंग मुंबई में। अब माफ कीजिए पर छोटे शहर से चकाचौंध भरी माया नगरियों की तरफ आना, और वो जमाना ऐसा था कि आई थिंक डिजिटल मीडिया इतना प्रबल नहीं था, इंटरनेट की डोमिनेंस अभी स्थापित नहीं हुई थी, हमारे फिंगर टिप्स पे गूगल नहीं था, तो किसी प्रकार का कल्चरल शॉक कुछ लगा नैनीताल से आने वाले गोपाल दत्त को? बिल्कुल लगा, और जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो कई तरह के कल्चरल शॉक थे। मतलब वो एक तो जो थिएटर हम लोग नैनीताल में कर रहे थे उसमें वो लिमिटेड रिसोर्सेस थे, तो वो हम जैसे तैसे नाटक बनाते थे, और वो नाटक जब मैं एनएसडी में आया तो वो नाटक की दुनिया इतनी खुल गई कि इंटरनेशनल हो गई कि आपको लंदन से भी टीचर पढ़ाने आ रहे हैं और जर्मनी से भी पढ़ाने आ रहे हैं। तो एक तो वो था कि ओ, ये जो रंगमंच की दुनिया है, ये थिएटर का वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा है। तो एक वो शौक था, और एक ये था कि बिल्कुल अलग है जैसे। और जिस वक्त मैं नैनीताल से आया था उस वक्त एकदम अलग था कि दिल्ली का जो कल्चर है वो काफी बड़ा वो था हमारे लिए, कि बहुत ओपन था ये था, तो उससे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में जो लगा समय तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, कैसे लड़के लड़कियां छोटे शहर में बात करते हैं और कैसे बड़े दिल्ली जैसे शहर में करते हैं, वो बिल्कुल एक कल्चरल शॉक था कि अरे एकदम लड़का लड़की एकदम ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं और एकदम बिल्कुल आप उनसे कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं अपनी कोई भी समस्या। तो ये सब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक लीप था, और इसलिए एनएसडी का बहुत बड़ा हाथ है ग्रूमिंग में, जो भी सीखा
क्योंकि सिर्फ थिएटर और एक्टिंग नहीं सीखा, ये सब भी सीखा कि किस तरह से अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनैलिटीज, उनसे आप कैसे डील करें, ये भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला वहाँ। चलिए, एनएसटे पर आपके सफर पे बहुत बातें होंगी, लेकिन उससे पहले मुझे, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, मुझे पता लगा कि आप बीएससी केमिस्ट्री हैं। जी, बीएससी केमिस्ट्री यानी, अगर आप माफ करें और स्टीरियोटाइपिकली मैं कहूं, तो एक पढ़ाकू बच्चा, साइंस लेने वाला। ऑस्ट्रेलिया आके थोड़े से हमारे नोशंस बदल गए हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, और शायद जमाना भी बदल गया है, लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें जब आपने बीएससी किया था, तो बीएससी केमिस्ट्री यानी एकेडमिकली ड्रिवन बच्चा। कहां से बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपने थिएटर की दुनिया, फिल्मी दुनिया को इमिलेट किया, उसको अपना बनाया, और किस तरह से किसी प्रकार का घर में आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूज के साथ क्लैश नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था, और मैं कभी भी बीएससी नहीं करना चाहता था। मैं 12th के बाद मुझे कुछ आर्ट सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने थिएटर शुरू कर दिया था, तब तक 11th क्लास से मैंने नाटक करना शुरू कर दिया था। नैनीताल में एक युगमंच नाम का ग्रुप है, तो वो एमेच्योर ग्रुप है, उसमें वो लोग बहुत अच्छे नाटक करते थे और करते हैं अभी भी। तो मैं 11th क्लास से नाटक करने लगा था, फिर मुझे 12th के बाद नाटक ही करना था, लेकिन मेरे फादर ने बोला कि बाकी तुझे जो करना है कर ले, लेकिन बीएससी तो करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला मैं करूंगा तो नाटक ही, और मैं आपके लिए बीएससी कर लेता हूँ। तो मैंने उनके उनके कहने पे बीएससी कर लिया, और मेरा ग्रेजुएशन खत्म होते होते तक थर्ड ईयर में मैं एनएसडी में सेलेक्ट हो गया, और फिर मैंने बोला बाय बाय, आई एम डन विद साइंस। तो आज उनका क्या रिएक्शन है आपके इस कदम को लेकर? आई एम श्योर ही मस्ट बी रियली हैप्पी कि आपने उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी बनाई हुई महत्वाकांक्षाओं को ना चुन के अपना खुद का रास्ता चुना। क्या सोचते हैं वो इस बारे में? वो बहुत, एक तो बहुत ही सैड बात है कि अभी एक महीने पहले कोविड से उनका देहांत हो गया। तो हाँ, अभी हम लोग, मैं अभी बस बॉम्बे आया हूँ कुछ दिन पहले। तो लेकिन उनका ये था कि वो, उनको बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो बाहर मेरे साथ आते थे और लोग पहचानते थे, तो उनको लगता था कि कुछ तो ये कर रहा है ठीक। तो वो मतलब उनको, हाँ उनको हमेशा लगता था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनको जैसे मुझे एक पॉइंट पे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट खुला, तो ऐसी हल्की बात हुई कि मुझे लेक्चररशिप के लिए वो लोग इनवाइट कर रहे थे, तो मैंने वो मना कर दिया। क्या बात। तो मैंने, मेरे पिताजी को हमेशा इतना बड़ा शौक था कि अरे ये गवर्नमेंट जॉब है, तुम समझ नहीं रहे हो ये कितनी बड़ी चीज है। तो खैर वो उनके हमेशा छोटे छोटे, उनको बहुत बात तक लगता रहा कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी वो गवर्नमेंट जॉब ना लेके। मैं अपने जानने वालों को हमेशा कहती हूँ कि हम 3 idiots जब तक आए ना, उससे पहले पढ़ाई में उतर चुके थे, नहीं तो शायद हमारी जिंदगी की कहानी कुछ और होती। 1999 में आपने एनएसटी की तरफ रुख किया, राइट? जी, 99 में मैं पास आउट हुआ। अच्छा, पास आउट 96 में। 96 टू 99 आई वाज इन एनएसटी। ब्यूटिफुल। तो 1999 में आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया, और यू ऑब्वियसली वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ बिग पर्सनालिटीज, काफी नामचीन लोगों के साथ आपका सफर रहा। आपने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी किए, आई थिंक शेक्सपियरियन इटालियन टू पारसी, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी नोन वंस, इज दैट राइट? हाँ, मतलब ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द कोर्स। तो आपको एनएसडी में हर साल ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में, एक कॉमन कोर्स होता है जिसमें आप सब कुछ पढ़ते हैं, फ्रॉम मेकअप टू सेट मेकिंग टू एवरीथिंग कॉस्ट्यूम सब। फिर सेकंड ईयर में आपको चूज करना पड़ता है, आइदर यू विल गो फॉर एक्टिंग और डायरेक्शन। अच्छा। तो जो एक्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मैं था, उनको फिर अल्टरनेटिव, जो अगर पिछले साल वाले बैच ने संस्कृत प्ले किया है, तो इस साल वाला बैच ग्रीक प्ले करेगा। अच्छा। तो ऐसा, हाँ ऐसा उसमें होता है। तो हमारे हिस्से संस्कृत प्ले आया था, हमने कारण जी के साथ कालिदास का
विक्रम उर्वशियम नाम का नाटक किया था, जो बहुत ही सुंदर म्यूजिकल नाटक था। और ऐसे तो वो पार्ट ऑफ द कोर्स है कि एक आपको शेक्सपियरियन सीन वर्क करना पड़ेगा, एक वो कॉमेडिया दिलारते का कुछ करना पड़ेगा इटालियन। तो ऐसे कई सारे नाटक हैं जो जो एनएसडी में एक्चुअली कोर्स का ही हिस्सा है, लेकिन वो जब नाटक तैयार हो जाते हैं तो ऑडियंस के लिए वो ओपन होते हैं, बट वो है एक्चुअली पढ़ाई। तो कुछ नामचीन पर्सनालिटीज जिनके साथ आपको काम करने का गौरव प्राप्त हुआ, कुछ उनके बारे में बताएंगे? तो जैसा कि मैंने बोला, बीवी कारण जी वो बहुत बड़े थिएटर के गुरु थे, मतलब वो पद्मश्री थे और वो जीनियस थे। उन्होंने इंडियन थिएटर का सिनेरियो बदल दिया। वो ही पहले आदमी थे जो फोक को मेनस्ट्रीम थिएटर में लेके आए, और उनके बहुत सुंदर प्लेस है, मतलब है वदन से लेके वो, और भारत भवन जो भोपाल में है उसकी स्थापना उन्होंने ही की। उनके साथ ये नाटक करने को मिला विक्रम उर्वशियम, जो कि एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है। वो बहुत ही बड़े जीनियस थे। तो वो रहे, फिर नसीरुद्दीन शाह तो वो आते ही हैं पढ़ाने एनएसडी में, तो उनके साथ क्लासेस हुई। फिर प्रसन्ना एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो अब वो कम करते हैं नाटक, लेकिन वो जब अपने जमाने में करते थे, वो दिल्ली में आके एक नाटक करते थे और वो पूरा चर्चा का विषय बन जाता था। फिर रॉबिन दास एक टीचर हैं जिनके साथ किया। फिर हमने बहुत बहुत सारे लोग, अभी मैं ऐसे नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग सफर रहा आपका। जी, आपका फिल्म डेब्यू भी हुआ 2001 में, दिल आशना है, दिल आशना है से हुआ था? नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है से हुआ, और तेरा नाम उसके बाद आई, और तेरे नाम एंड व्हिच वाज अ ह्यूज हिट, अ मैसिव ह्यूज हिट। जी, तो उसके बाद तो अच्छा, आपकी एक फिल्म स्थान भी आई थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला, आई बिलीव। जी, उसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला जारी हो गया होगा, तो क्या रीजन रहा, क्या फंसी? नहीं, एक्चुअली फिल्मों का सिलसिला तो तेरे नाम के बाद से हो गया था जी। लेकिन मैंने ही थोड़ा सा होल्ड बैक किया, क्योंकि मुझे एक जैसे वो सलमान खान की फिल्म थी और मैं सलमान का दोस्त था उसमें, तो उसी तरह के रोल, फिर क्योंकि ये हिंदी सिनेमा का बहुत ही मतलब अजीब सी चीज है कि जो चीज आप एक कर लो तो लोग फिर उसी फ्रेम में, उसी खांचे में आपको देखने लगते हैं, तो वही दोस्त के रोल बहुत सारे आने लगे, तो मैंने ही थोड़ा सा मना करना शुरू किया। और फिर मैं थोड़ा क्योंकि इसी दौरान मैं टीवी का एक शो जो मैं अभी भी करता हूँ, 12 साल से मैं कर रहा हूँ, वीक दैट वाजंट नाम का एक शो है, तो एक बेसिक ब्रेड एंड बटर का इंतजाम उधर से हो गया, तो मैंने फिल्मों में फिर थोड़ा सा वो करके मैं थिएटर की तरफ अपना रुख कर लिया। और फिर मैंने बॉम्बे में सभी जितने थिएटर के लोग हैं लगभग सभी के साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्ले किया है, और फिर हमने अपना भी एक ग्रुप बनाया था, और अच्छा। तो फिर मैं थिएटर की तरफ बेसिकली मैंने कर लिया तेरे नाम के बाद रुख। और फिर फिल्मिस्तान तो ऐसे आई थी कि वो नितिन कक्कड़ की पहली फिल्म थी और उनके पास बहुत रिसोर्सेस थे नहीं, और उनको थिएटर के एक्टर, अच्छे एक्टर चाहिए थे, तो उन्होंने मुझसे, मैंने उनके साथ बहुत पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी मंटो की कहानियों पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं फिल्म बना रहा हूँ और हम एक थिएटर की तरह इसको हम अप्रोच करेंगे, क्योंकि बहुत पैसा था नहीं, तो हम लोग रिहर्सल करते थे बिल्कुल प्लेस की तरह, तो हम उसकी रिहर्सल कर रीडिंग करते थे और क्या इसमें सही लग रहा है क्या, तो वो मैं, कुमुद मिश्रा, शारिब और इनामुल, ये हम सब चार ही लोग उसमें मेन थे, तो हम करीब एक डेढ़ महीना हम रीडिंग रिहर्सल करके तब हम फिर फाइनल शूट पे गए थे। तो वो एक अलग प्रोसेस था, कहने का मतलब है कि वो बाकी हिंदी बॉलीवुड सिनेमा से अलग प्रोसेस था, तो इसलिए वो कर लिया था और उसमें बहुत मजा आया और सबने बहुत मेहनत की, आई थिंक उसी का नतीजा था कि उसको नेशनल अवार्ड मिला और बहुत अप्रिशिएट की लोगों ने। जिन लोगों ने थिएटर, मैं जिन लोगों को जानती हूँ जो थिएटर करते हैं, कहते हैं थिएटर एक तरह की दीवानगी है, जो थिएटर करते हैं उन्हें किसी और मीडियम में उतना मजा नहीं आता, तो अच्छा लगा आपको। आपने एक बात करी कि
जहां आपने बात करी कि आर्टिस्टिक कंटेंटमेंट या उसी तरफ आप जा रहे थे, कि कई बार इस तरह से होता है, जैसे आपको फिल्मों के बहुत से इस तरह के रोल ऑफर हुए जो सिमिलर टाइप के थे, जो आपको पास कर देते जी, तो एक कंटेंटमेंट नहीं मिलता एज एन आर्टिस्ट, तो वो, और एक चीज होती है सस्टेनेबिलिटी, कि आर्टिस्ट को सस्टेन करना होता है, उन दोनों के बीच का फाइन बैलेंस क्या है, क्या जरूरी है किसी नए शख्स के लिए जो कला की दुनिया में जाता है, वो किस चीज को कितना ले, क्या ज्यादा दिखना जरूरी है या छोटे रोल्स करके कुछ प्रभावशाली छाप छोड़ना जरूरी है? आई थिंक ये ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो आते हैं इंडस्ट्री में, उनका एम होता है कि वो पॉपुलर हो जाए, बट जो मेरा जो मानना है, जो लोग थिएटर के रूप से आते हैं जी, वो ये जो आर्ट की, जो आर्ट के नुआंसेस हैं उनको समझते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए पॉपुलैरिटी उतना बड़ा वो इश्यू नहीं है, जितना कि कुछ अच्छा काम, कुछ इंटरेस्टिंग काम, कुछ अपना एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। कोई गलत नहीं है, बट एज एन आर्टिस्ट आप इवॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक वॉच आई थिंक रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉपुलैरिटी के चक्कर में चले गए, तो आप, जैसे मैं अगर उसी तरह की फिल्में करता रहता तो मैं शायद पैसा वैसा कमा लेता बहुत सारा, लेकिन फिर मेरे को अपने आप से थोड़ा ये लगता कि मैं, और जो मैं बहुत एक्टर्स से बात करता हूँ, वो जो सिनेमा कर रहे हैं या टीवी कर रहे हैं और जो एक ही उसमें फंस गए हैं, वो उनको लगता है कि वो खुद से कहते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का वो चक्कर है ना, ये आपको इवॉल्व करता है एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है उस पर एक वॉच जरूर रखना चाहिए कि मैं एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व हो रहा हूँ या नहीं। बट उतना ही जरूरी ये भी है कि आप इस महंगे शहर में सर्वाइव कर पाए, तो मुझे लगता है वो जो आपने वर्ड बोला ना, वो फाइन बैलेंस, वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि आप ऐसा ना हो कि आप वो एक ही तरफ, अगर आप पॉपुलर हो रहे हैं तो उसी में बह जाए, या फिर ऐसा ना हो कि आप थिएटर और इसके चक्कर में आपके पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो आई थिंक वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत मुश्किल है सर इस तरह की मृत तृष्णा से बच पाना, आप जो कह रहे हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली बातें डेफिनेटली हर आर्टिस्ट यही लेकर आता है, बट कहीं ना कहीं वो शायद मंद पड़ जाती है उसकी चमक, वो जिजीविषा कम हो जाती है, कम हो जाती है, बट वो वही है कि वही कारण जी जो मैं बोल रहा था, कारण जी का एक कोट है, हमारे टीचर जो थे वो कहते थे कि सिद्धि के लिए भागो, प्रसिद्धि के लिए नहीं। वाह, अगर आप सिद्धि के लिए जाओगे तो प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी। क्या बात, क्या बात। हाँ, तो जो ट्रेंड है मीडिया का, मीडिया और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री का, कि नेटवर्किंग के क्या माने हैं, क्या रियल टैलेंट कहीं से भी अपना रास्ता पानी की तरह निकाल लेता है, या इट इज स्टिल हु यू नो is more important than what you know. आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा इन दोनों में से बलशाली है, नेटवर्किंग? नहीं, देखिए वो तो आपका काम ही बलशाली है, काम ही आपका बोलता है, बिकॉज नेटवर्किंग से आप शुरू में कुछ कनेक्शन, कुछ काम पा सकते हैं, बट अगर एक काम आपने किया और वो आपको नहीं आता या नहीं अच्छा किया आपने, तो फिर कोई नेटवर्किंग काम नहीं आई। लेकिन अगर आपकी कोई नेटवर्किंग नहीं है, आपको एक काम मिला और आपने बहुत अच्छे से किया, तो खुद लोग आपको ढूंढेंगे कि यार वो बंदे ने उसमें किया था, उसको ढूंढो। जैसे हमारे ही सीनियर है नवाजुद्दीन, वो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल। तो उनको कोई उन्होंने इतने छोटे छोटे, मतलब वो सरफरोश का रोल हो या कोई हो, आज वो कहाँ है, उनका कोई नेटवर्किंग नहीं। मुझे लगता है कि नेटवर्किंग तो जैसे इस इंडस्ट्री में कितने परिवार है, बट वो उन परिवारों के सारे लोग तो सबको जानते हैं, लेकिन वो सारे लोग हिट नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो वही हैं जो काम जानते हैं, जो मेहनत से काम कर। अगर हम आपका थोड़ा सा इशारा समझे तो शायद आप बात नेपोटिज्म की तरफ ले आए।
या मैं ले जाना चाहती हूँ. आपका क्या टेक है ऑन नेपोटिज्म? हैव यू एवर बीन अ विक्टिम ऑफ दैट? कहीं आपको लगा कि आपके साथ कहीं इस तरह से कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो उस, मेरा चक्कर है कि मैं उस गेम में ही नहीं हूँ. मैं तो अपना जो मेरे पास आते हैं उसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो मैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि मैं थिएटर कर रहा था, वहीं से किसी ने देखा, मैं उन्हें चला गया, तो मुझे कभी ऐसा नेपोटिज्म मैंने ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया. मेरे को जो काम आते गए उसमें से मैं सेलेक्ट करके करता गया जी. तो. और बट मुझे लगता है कि नेपोटिज्म, वही मैं कह रहा हूँ, वो शुरू में काम कर सकता है ना आपके लिए, एक फिल्म में कर सकता है. बट अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो आपके ऐसा 50 फिल्में थोड़ी आपको कोई दे देगा और कोई देखेगा. जो कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि कुछ अमाउंट ऑफ टैलेंट तो है. नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एक फिल्म में आए लोग और उसके बाद कभी दिखे नहीं. There's a certain kind of innocence about your appearance, your face. आप एक सीधे सरल भोले भाले से युवक लगते हैं. Do you think it has ever been a constraint in certain type of roles? Negative shades अगर दिखाने हो या कुछ इस तरह के role जो करने हो, वो आपका चेहरा उसके आड़े आता है कि आपको एक विशिष्ट प्रकार के role मिलते हो? बिल्कुल, वो ये हो रहा था. बट वही है कि आपको थोड़ा उसके लिए सेल्फ कॉन्शियस रहना पड़ता है कि एक ही तरह के रोल आ रहे हैं. लेकिन तो फिर मैंने थोड़ा सा कम किए, जैसे भी मैं कॉमेडी थोड़ा सा मैंने अभी कम किया है. और तो और अगर आप ऑडिशंस दो और लोगों से बात करो, तो मैंने बीच में ये लोगों को बोला कि अब मैं कॉमेडी या इस तरह के रोल थोड़ा कम करूंगा. तो मुझे काफी अभी इंटरेस्टिंग रोल आ रहे हैं. जैसे जो अब आने वाली सीरीज है उसमें 3-4 सीरीज ऐसी हैं जिसमें मैं बिल्कुल नेगेटिव शेड में ही दिखूंगा आपको. तो ये मतलब चेहरे का वो है, लोगों को लगता है. बट वही अगर डायरेक्टर और राइटर इंटेलिजेंट है तो वही एक एसेट भी बन जाता है. कई किसी सीरीज में कि अरे यार ये आदमी कैसे क्रिमिनल हो सकता है, ये आदमी कैसे बुरा वहां सर पर. तो वो उस तरह के रोल आ रहे हैं तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा अभी जब तक. लेकिन ऐसी आने वाले दिनों में ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आपको नेगेटिव शेड्स में दिखूंगा. बहुत बढ़िया, इंतजार रहेगा. और जैसे मैंने थोड़ा चेंज किया, जैसे दिल्ली क्राइम में एक अलग तरह का रोल था बाकी रोल से. फिर अभी काठमांडू कनेक्शन एक आई है सीरीज सोनी लिव पे, उसमें अलग तरह का रोल है जी. तो वो देखिए आप. तो जी जरूर, दिल्ली क्राइम में तो आपका बहुत खूबसूरत सा सीरियस रोल था. इट वाज वेरी डिफरेंट टू ऑल योर प्रीवियस मंथ्स. जैसे आप शुभ मंगल सावधान में अलग जॉनर में दिखे या और भी बाकी पोडियम्स पे. बट तो आप ये काठमांडू कनेक्शन जरूर देखिए सोनी लिव पे. जी जरूर, डेफिनेटली. आपने बहुत से दिग्गजों के साथ काम किया. आपने पंकज कपूर के साथ काम किया दृष्टांत में, गुलजार साहब के साथ काम किया है गोदान में, और भी बड़े नामचीन लोग रहे हैं. तो फिल्में भी की, टीवी सीरीज भी की, कुरुक्षेत्र, बैचलर्स, काठमांडू कनेक्शन, दिल्ली क्राइम, कई कई तरह के रोल्स किए. कोई ऐसा रोल रह गया जिसमें, जिसको देखकर या जिसके बारे में सोचकर लगा हो कि काश ये रोल मैं कर पाता? कोई भी एक ऐसा रोल किसी भी फिल्म का या टीवी जगत का उठा ले. ऐसे तो देखिए हर सीरीज में, हर फिल्म में कोई ना कोई रोल आपको लगता है कि अरे ये मुझे मिलता तो मैं बहुत अच्छा करता. तो ऐसे एक रोल नहीं है. बट मेरी बड़ी इच्छा है कि कोई क्लासिक, कोई शेक्सपियरियन ड्रामा, कोई इस पर अगर कुछ बने तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वैसा कोई रोल करूं जो किसी क्लासिक पे बेस्ड हो. अच्छा, क्या बात, उम्मीद है. उम्मीद जल्दी आप में भी देखेंगे. बात करते हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल शो की, AIB. शायद ही कोई ऐसा हो, एंड आई मीन इट, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये शो नहीं देखा. इसने आपकी पॉपुलैरिटी को नए आयाम दिए. लेकिन मजे की बात है कि समाज के ठेकेदारों ने और यू नो मॉरल पुलिस ने इसको तरह तरह के एडजेक्टिव्स दिए. सम ऑफ दोज वर नॉट वेरी फ्लैटरिंग वंस. दे कॉल्ड इट क्रूड, दे कॉल्ड इट वल्गर, दे कॉल्ड इट रेसिस्ट, बट एवरीवन वॉच्ड इट. तो किस तरह से आपने उस क्रिटिसिज्म को सर्वाइव किया? क्या ये सोच करके बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? या क्या थॉट रहा आपका इसके पीछे?
एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस इतना इतना था नहीं, ये एक बहुत ही नई चीज थी जब आई, और मेरे को, और ये सब यंग बच्चे थे जो कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे, और मुझे लगा कि ये जो भी वो लिख रहे थे उसकी जो भाषा थी वो वही भाषा है जो जो कॉलेज में लड़के दोस्त आपस में बात करते, और क्योंकि इंटरनेट में सेंसरशिप का इशू है नहीं, तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक तरीके से, क्योंकि जो हमारा जो बाकी टीवी या बाकी वो है उसमें एक फिल्टर्ड लैंग्वेज है, तो वो इसलिए शायद यूथ जो है उससे रिलेट नहीं करता है। तो ये पहली बार ये लोग ऐसी भाषा में स्केचेस या जो भी बना रहे थे वो ऐसी ऐसी भाषा में था जो जो नॉर्मली लोग कॉलेज में इसमें बोलते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा रिस्की है बट लेट्स डू इट लेट्स, और आई थिंक वही पॉइंट था कि यूथ के साथ वो ऐसा कनेक्ट हुआ उसका कि एआई भी रातों रात ह्यूज हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हाँ नहीं तो वही था कि रिस्क था, बट मुझे लगा कि ये हिपोक्रेटिकल है ना, कि अगर हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं और हम उस भाषा में ही कुछ कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो जो एक्चुअल में कॉलेज में लोग बोलते हैं या जैसे बात करते हैं, तो जी, और इट वाज नॉट मेंट फॉर द फैमिली, वो था ही कॉलेज के लड़कों के लिए, और बट ये हुआ कि वो अक्रॉस द मतलब वो सभी ने देख लिया। जी, धूम मचा दी उसने। तो फैमिलीज के लिए नहीं था, बट ये यकीनी तौर पे कह सकती हूँ कि आपकी फैमिली ने जरूर देखा होगा। तो वहां से किस तरह के रिएक्शन मिले? कुछ डांट, कुछ झिड़की भरा फोन, कुछ ऐसा हुआ ऑब्वियसली जी? ऑब्वियसली उन्होंने बोला ये क्या है, बट वही है कि मैंने बोला इट्स नॉट मेंट फॉर यू ना, उसमें है वो है ही नहीं, तो आप क्यों तो हाँ मतलब वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, और वो बहुत मतलब वो एकदम ब्लास्ट हो गया, वो मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हिट हो जाएगा, मुझे लगा एक एक्सपेरिमेंट है चलो करके देखते। तो अब जब ओटीटी ने इस तरह की फ्रीडम दी है कि जहां सेंसरशिप का बंधन नहीं है, तो क्या हम जी उम्मीद जी कर सकते हैं कि इस तरह का कुछ फिर देखने को मिलेगा? देखिए अभी ओटीटी क्योंकि सेंसरशिप नहीं है तो उस वजह से काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट बन रहा है, और काफी पहली बार इंडियन कंटेंट जो है वो रियलिज्म के इतने करीब पहुंचा है। आप कोई सा भी अच्छा शो देख लें, फॉर एग्जांपल डेली क्राइम देख लें, डेली क्राइम की मतलब उसमें वही लैंग्वेज है जो बोलते हैं, जो जैसा बोलता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो पूरा आईपीएस लेवल और जो ब्यूरोक्रेटिक सेट है वो पूरा अंग्रेजी बोलता है, जो नीचे के पुलिस वाले हैं जो हम लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर्स, और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं या जो गाली गलौज है सड़क की, तो इसी वजह से हम लोग इतना रियलिस्टिक मतलब मुझे भी देख के डेली क्राइम, मेरे दोस्त हैं उसमें बट मुझे देख के लगा ये रियल पुलिस वाले उसमें इतना, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, इस वजह से हमको वो मिल रहा है, बट ये मेकर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इस फ्रीडम को यूज करें। कई कई बार क्या हो जाता है कि फ्रीडम है तो लोग उसी पे एकदम, तो वो भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये फ्रीडम आपको मिली है तो उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको होनी चाहिए। डेफिनेटली ये आप जैसे कह रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स की भी है। तो कहीं मैंने पढ़ा था आपके किसी इंटरव्यू में कि आपका कहना था कि साहित्य का या किसी भी प्रकार के स्क्रिप्ट का सिनेमा के साथ कोई खास कनेक्ट नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे। सो द पीपल हु आर मेकिंग सिनेमाज आर नॉट कनेक्टेड टू लिटरेचर दैट वेल। करेक्ट जी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम है, लेकिन इस डिफरेंस को पैच कैसे किया जाए? बिकॉज एक कमर्शियल रिक्वायरमेंट होती है सिनेमा की। तो हाउ डू वी कॉम्बैट दैट? बिकॉज जो फिल्म मेकर्स हैं, दे ओब्वियसली वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अब करेक्ट वो क्या परोस रहे हैं दर्शकों को, और दर्शकों को क्या पसंद आ रहा है, उन्हें उससे मुझे नहीं लगता खास मतलब या ताल्लुक रहता है। बट आप जैसे कुछ लोग जो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी पे हैं, उन्हें और हमें पीड़ा होती है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? सोल्यूशन यही है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको राइटर्स को बहुत रिस्पेक्ट और उनको सही पैसा और सही फेम देना पड़ेगा,
जो वो डिजर्व करते। जब तक आप राइटर्स, क्योंकि लोग अच्छा लिख रहे हैं लेकिन आप उनको उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे, पहले तो उनसे कनेक्ट कीजिए, फिर उनको ढूंढिए कौन अच्छे राइटर्स हैं। जैसे बहुत सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी लिटरेचर के बड़े राइटर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं जी। मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने विनोद कुमार शुक्ल का नाम सुना है या निर्मल वर्मा का नाम सुना है या जो भी हमारे राइटर्स हैं या उदय प्रकाश जी का नाम सुना है, बहुत कम लोग हैं। तो एक तो उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दे आर द स्टोरी टेलर्स, वो साहित्य के लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट कीजिए, फिर उनको लाइए ऑन बोर्ड, उनको पैसा दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको फेम दीजिए, तब जाके आप का सिनेमा, आप अच्छी कहानियां कहेंगे, आपका सिनेमा थोड़ा सा साहित्यिक उस पर उठेगा। नहीं तो आप मास के लिए ही बनाते रहेंगे और एक ही चीज मसाला रिपीट करते रहेंगे। तो अब क्योंकि इतने एवेन्यूज खुल चुके हैं ओटीटी में, आप दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं, ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन चीजें देख रहे हैं ना, आप ब्रेकिंग बैड भी देखते हैं, आप मनी हाइस्ट भी देखते हैं, आप डेली क्राइम भी देखते हैं, आप फैमिली मैन भी देखते हैं। तो अभी ये कंपटीशन ग्लोबल है, तो अगर आपको अच्छी चीजें बनानी है तो आपको अच्छे राइटर्स को लाना पड़ेगा ऑन बोर्ड जी। आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस को उनकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करना भी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑडियंस छोड़ना पड़ेगा। जी जी। लिखने की बात करी तो अ लिटिल बर्डी टोल्ड अस कि आप भी लिखते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप जिंगल्स लिखते हैं, आपने लिरिक्स लिखे हैं बहुत सारी मूवीज के, तो कुछ टेक अस थ्रू दैट जर्नी, बताएं कौन कौन सी फिल्मों को आपका। तो बहुत सारी तो मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत सारी फिल्मों में नहीं लिखे, मैं सिर्फ दोस्तों के लिए लिखता हूँ, तो जो दोस्त जानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो वो लोग फिर इंसिस्ट करते हैं तो मैं उनके लिए लिखता हूँ। मैंने डेविड में दो गाने लिखे थे, विजय नाम्बियार की फिल्म थी डेविड, उसमें लिखे थे। फिर मैंने चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की फिल्म है उसके, उसमें मैंने गाने लिखे हैं। नेटफ्लिक्स पे विक्की कौशल की फिल्म है लव पर स्क्वायर फिट, उसके गाने मैंने लिखे हैं। और अभी मैं एक फिल्म में गाने लिख रहा हूँ, स्नेहा खानवलकर उसका म्यूजिक कर रही है, तो वो जल्द ही फिल्म आएगी। तो वही जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनके लिए लिखता हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं एडवर्टाइजिंग में जिंगल्स बहुत टाइम से लिख रहा था, और थिएटर में मैंने बड़े सारे गाने लिखे, म्यूजिकल मैंने नाटक किए बहुत सारे, तो उनके साथ के गाने और म्यूजिक मैं खुद ही करता था, तो वो बहुत सारे गाने हैं। सर आपकी मॉडेस्टी बहुत बहुत हार्टवार्मिंग है आपकी मॉडेस्टी, आप बड़े बड़े अचीवमेंट्स को इतना छोटा करके बता देते हैं कि हमें लगता है कमाल कमाल। तो एक, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटे से कविता सुना दें हमारे ऑडियंस को, आप अपनी लिखी हुई, तो मजा आ जाए। मैं देखिए अभी मैं सुना सकता हूँ कविता, बट मैं आपको एक गाना भी सुना सकता हूँ, बहुत अच्छा गाना है, प्ले के लिए मैंने लिखा था, जरूर। आदत के बारे में गाना है, तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा है, आदत है हमको, आदत है हमको, जैसे हैं वैसे ही होने की, आदत है हमको, आदत है हमको, चादर से बाहर रख कर पांव सोने की, आदत है हमको, आदत है हमको, सूरज घर ना निकले दिन में भी अंधेरा हो, सूरज घर ना निकले दिन में भी अंधेरा हो, अंधेरे में जी लेने की, अंधेरे में जी लेने की, चाय में घोल के गम पीने की, आदत है हमको, आदत है हमको, पांव का जूता काटे तो आंख में आंसू ना आए, पांव का जूता काटे तो आंख में आंसू ना आए, दिल चाहे छलनी छलनी हो होंठ हमेशा मुस्काए, दिल चाहे छलनी छलनी हो होंठ हमेशा मुस्काए, आंसू को रूमाल में रखकर, आंसू को रुमाल में रखकर फिर रुमाल को खो देने की, आदत है हमको, आदत है हमको, आदत है हमको,
बहुत 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 खूबसूरत, मतलब आई थिंक किसी आम आदमी का चित्रण कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं. इट्स वेरी इंस्पिरेशनल एंड इट टेल्स यू कि किस तरह से गुजरता है एक मध्यम वर्गीय आम इंसान. आई एम ट्राइंग टू यू नो इमेजिन द पिक्चर बिहाइंड इट, द विजुअल्स बिहाइंड. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बहुत. और आपने बहुत लंबे गाया, आप तो सिंगर भी हैं. थिएटर आपको थोड़ा थोड़ा सब सिखा देता है ना, एक्चुअली थिएटर की यही खूबसूरती है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ सिखा देता है वो. बहुत बहुत खूबसूरत गाना, बहुत ही. तो ये थिएटर का है सॉन्ग, कहीं हम इसको फिल्म में नहीं देखे? जी जी जी, अभी तो नहीं, बट कभी कभी जरूर हो भी सकता है. जी 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 जी. तो आप एक्टर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, आपने कई एड्स के लिए, कई जगहों के लिए जिंगल्स भी लिखे हैं. आप लिरिक्स राइटर मैं कह चुकी हूँ. इसके अलावा पोएट्री लिखते हैं, आप फ्लूट गाते हैं, बहुत खूबसूरत. इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है आपकी. गोपाल जी, एक वर्ड में आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे? दरअसल गोपाल, मैं आई एम अ थिएटर वर्कर. एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ आपको, थिएटर में ना आप बैक स्टेज से लेके धीरे धीरे आप सब सीखना पड़ता है ना, कि आप जब, और जब आप कम रिसोर्सेज में थिएटर करते हैं तो आप सेट में कील भी खुद ठोक रहे हैं और पीछे पर्दा भी खुद लगा रहे हैं, लाइटिंग के तार भी खुद जोड़ रहे हैं, म्यूजिक में भी कुछ गाना, अरे यहाँ पे एक गाना चाहिए यार, क्या गाए बना, कुछ सोचो दो लाइन, अच्छा ये गा लेते हैं. तो बेसिकली और क्या है, कम रिसोर्सेस के यही फायदे हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे मैं बीच में अमेरिका हम लोग गए थे येल यूनिवर्सिटी में एक शो करने जी. तो हम जैसे काम करते हैं, हम सब खुद ही करते हैं ना, तो हम गए और उधर हम सेट लगाने लगे तो सडनली वहां मैनेजर आ गए, नो 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 नो, यू कांट टच एनीथिंग, और आप हेलमेट पहनिए, और ये सेट वालों का काम है, ये आप नहीं कर सकते. तो हमें लगा अरे ये तो हम सालों से खुद ही कर रहे थे. तो अगर क्योंकि क्योंकि रिसोर्सेज कम थे तो सब सीख लिया. अगर वैसा होता कि सेट वाला सेट ही करेगा या म्यूजिक वाला सिर्फ म्यूजिक करेगा तो ये सब नहीं सीख पाते. तो बेसिकली मैं वही एक वर्ड में वही है कि थिएटर वर्कर, आई एम अ थिएटर वर्कर. तो थोड़ा थोड़ा सब आता है, नहीं बहुत कुछ आता है. और साथ में आई थिंक आपको वर्सेटैलिटी के भी बहुत एवेन्यूज मिलते हैं थिएटर में. तो मैं उसी से मुतालिक एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि आप डिफरेंट रोल्स करना चाहते हैं और बहुत मज़ा भी आता है ऑडियंस को इस तरह के रोल्स में आपको देखते हुए. लेकिन कई बार ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी प्रकार के रोल्स में, और कई बार जैसे आप कह रहे थे टाइपकास्ट होते हैं, इमेज बन जाती है. इट वर्क्स पॉजिटिवली एज वेल कि कोई एंग्री यंग मैन है, कोई रोमांटिक इमेज लेके आया है, कोई बॉय नेक्स्ट डोर है. तो आप अपने आप को किसी टाइप के जॉनरा में, किसी टाइप के इमेज में पाते हैं? मैं पाना नहीं चाहता. एक्चुअली क्या होता है, जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या लगता है कि इसने पिछले उसमें ऐसा रोल किया था तो ये कर लेगा इजीली, और टाइम बचेगा, बिकॉज यहाँ शूटिंग में टाइम इज मनी. तो जितना टाइम जो बचाएगा उतना वो पैसा बचाएगा, तो इसने ऐसा किया है तो इसको कास्ट कर लो, ये खटखट कर लेगा. बट मैं वो करना नहीं चाहता. वही मैं कह रहा हूँ कि वो कंफर्टेबल है, एज एन एक्टर भी कंफर्टेबल है, आपको वो रोल मिलते जा रहे हैं और आपको भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, करते जाना है. बट वो मेरे लिए, मुझे लगता है वो एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उसी मोमेंट पे आप अपना, जो मैं कह रहा था ना, आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन है, वो बंद कर देते हैं. अब आपको पता है कि मेरे पास एक बैग ऑफ ट्रिक्स है, इस तरह का रोल मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा. बट फिर आप नए चैलेंजेस तैयार नहीं होते कि अगर मुझे कल को, जैसा आप कह रही थी कि अगर मुझे एक मर्डरर का रोल करना है तो मेरे लिए चैलेंज है वो. तो वो चैलेंज मुझे लेना चाहिए ना, नहीं तो फिर मैं जो मैं कर रहा हूँ वही करता रह जाऊँ. जी जी. तो आप अब आगे आने वाले अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा खुलासा देंगे? मुझे पता नहीं मैं कितना बोल सकता हूँ, बट मैं अभी एक शो कर रहा हूँ जो लायंस गेट इंडिया में पहली बार आया है. लायंस गेट जो हॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग बहुत सारा कॉन्टेंट बना रहे हैं, तो उसकी एक सीरीज है.
जिसका नाम है यू स्पेशल, वो अभी हम लोग शूट कर रहे थे लॉकडाउन से ठीक पहले, अब चीजें शायद फिर से खुल रही हैं तो जुलाई से हम लोग वो शूट करेंगे। फिर एक कैंडी नाम का सीरीज है जो मैं बता रहा था नैनीताल में हमने शूट किया, वो उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, आई थिंक वो एक दो महीने में रिलीज होगा। और कुछ फिल्में हैं, ये एक बंटी बबली पार्ट टू, वो आई थिंक रेडियो सिनेमा हॉल्स खोलेंगे, तो ऐसा कुछ कुछ है। और भी एक दो सीरीज, एक सीरीज और है डेली क्राइम सीजन टू, हमने शूट कर लिया बट उसका कुछ अभी 30 डेज का शूट आई थिंक और है जी, वो भी है पाइपलाइन में। तो एक हल्के फुलके से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड बिकॉज आपके फैंस को हमेशा से इस बात के बारे में क्यूरियोसिटी रही है और कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलता है कि गोपाल दत्त एक एलिजिबल बैचलर हैं और उनके दैट स्पेशल समवन वो अभी तक क्यों नहीं दुनिया के सामने आई या आई है तो कहाँ है और कब तक दुनिया के सामने उन्हें लाएंगे आप? मैं भी ढूंढ रहा हूँ ये बात, कौन है कहाँ है। तो आपका शो बहुत सारी फीमेल्स देख रही हैं, आप देख लीजिए, इफ यू वांट टू शेयर योर फोन नंबर प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अच्छा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सफर है, लेकिन उससे पहले हम आपसे इजाजत लें, आपके नाम को सार्थक करता हुआ आपका बहुत खूबसूरत हुनर फ्लूटिस्ट, आप एक फ्लूटिस्ट भी हैं, एक फ्लूट आर्टिस्ट हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ फ्लूट, बट मैं अपने लिए बजाता हूँ, मैं मुझे बिल्कुल फ्लूट बजाना नहीं आता, लेकिन मैं जब मुझे थोड़ा मैं लो फील करता हूँ तो मैं, और मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल नहीं आता लेकिन मैं अपने लिए बजाता हूँ, वो आप मैंने एक उसमें बजा दिया था तो मैं आपके लिए भी बजा देता हूँ, बट मुझे फ्लूट आता नहीं है, मैं ये दावा बिल्कुल खारिज करना चाहता हूँ कि मैं फ्लूटिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपने सुख के लिए बजाता हूँ, उतना ही थोड़ा बहुत मैं आपके लिए बजा देता हूँ। ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए और उनको बहुत छोटा करके बताया, तो आप एक छोटा सा पीस बजा दीजिए ताकि हमारे दर्शक को जान सके। जी ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा पहाड़ी का ही इसमें सुर है, थोड़ा पहाड़ की याद आएगी। ब्यूटिफुल, ये इतना सुरीला सा सफर हो चला है, बहुत बहुत मजा आया इसमें, और इस सफर को यहाँ खत्म करने का मन नहीं हो रहा, पर वक्त का तकाजा है, तो आपसे इजाजत, जी वक्त का तकाजा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, बट इस उम्मीद के साथ कि हम आपसे फिर रूबरू हो सकें। इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी विथ यू टुडे, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच गोपाल जी। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया आऊंगा आपसे मिलूंगा। जरूर, इंतजार रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू।